धनबाद जिले में कई ऐसे बहुमंजिला इमारतें खड़ी है या निर्माणाधीन है जहां नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों की मिलीभगत से नक्शे पास कराकर इमारत खड़ी कर दी जा रही है। मामला अब सरकार के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने धनबाद शहर में विगत एक साल में भवनों के लिए पारित किए गए नक्शों की जाँच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर आयुक्त को पत्र भी लिखा है। विभिन्न माध्यमों से विभाग को मिली जानकारी के बाद ये आदेश दिए गए हैं। नगर आयुक्त से चार बिंदु पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। सूत्रों की माने तो भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में भारी अनियमितता की गई है। ये बात भी सामने आई कि जिस नक्शा को पिछले प्रशासक ने रद्द किया था उन्हें धनबाद निगम ने फिर से पास कर दिया गया। धनबाद में 13 फीट की सड़क पर जीबी प्लस 4 मंजिला इमारतों का नक्शा पास किया गया। ऐसे करीब 4 मामले सामने आए हैं। जेसी मल्लिक रोड में 2 माह पहले 4 बहुमंजिला प्रोजेक्ट का नक्शा पास किया गया, जबकि सड़क की चौड़ाई कहीं 13 फीट, कहीं 15 फीट और कहीं 16 फीट ही है। बता दी कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कम से कम 25 फीट सड़क होनी चाहिए, लेकिन जिन भवनों का नक्शा पास हुआ वहां सड़क की चौड़ाई को नजरअंदाज किया गया। वही नक्शा में दिखाया गया कि मेन रोड से 50 मीटर की दूरी है, पर हकीकत में 135 मीटर दूरी पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक साथ 4-4 बहुमंजिली इमारतों का नक्शा पास किया गया। रांची से आए नगर विभाग की टीम ने कुछ बिंदुओं पर जताई है आपत्ति, जिसमें नक्शों की स्वीकृति में लैंड यूज निर्धारण का आधार क्या है, क्या लैंड यूज निर्धारित करने में प्रभावी मास्टर प्लान का अनुपालन किया गया है, क्या अभियंताओं द्वारा साइट इंस्पेक्शन किया गया और अगर किया गया तो साइट स्केच प्लान चौधरी बनावट सड़क इत्यादि के साथ हुआ। उसी प्रकार झारखंड भवन उपविधि 2016 और संशोधित की कंडिका 34 मेमो एंड एक्सेस टेबल 6 के अनुसार क्या सड़क की चौड़ाई का निर्धारण किया गया है, क्या गणना के क्रम में वांछित भूपट्टी सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रावधानित किया गया, सड़क की चौड़ाई और मुख्य सड़क की चौड़ाई आदि के सारे बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी के अनुसार 2016 के बाद बहुत सारी बहुमंजिला इमारतों के नक्शे अवैध तरीके से पास किए गए हैं। इसमें मोटी रकम भी अधिकारियों द्वारा ली गई है। नतीजा जितने भी बिल्डिंग बने हैं किसी के सामने सड़क नहीं है और रास्ते संकीर्ण हैं। साथ ही फायर सेफ्टी के नियमों का पालन भी नहीं हुआ है। जेसी मल्लिक सहित हीरापुर के अन्य इलाकों में जिस तरह से नक्शों को पास कराने में हेराफेरी कर इमारतें खड़ी हो रही है उसमें किस प्रकार से जांच कर कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर मीडिया, धनबाद।